नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार ने 5 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो इससे सबसे ज्यादा तकलीफ पड़ोसी देश पाकिस्तान को हुई। उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर कश्मीर राग अलापा, लेकिन हर तरफ से उसे झटका मिला। सिर्फ चीन, तुर्की और मलेशिया ने धूत पाकिस्तान का साथ दिया। मोदी सरकार ने इसकी सजा सबसे पहले मलेशिया को दी, जब वहां से पाम ऑयल इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाए जाने का संकेत दिया। मलेशिया की अकल ठिकाने लगाने के बाद अब मोदी सरकार ने तुर्की को कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ देने की सजा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी महीने के अंत में प्रस्तावित तुर्की का दौरा रद्द कर दिया है। तुर्की को मिली पाकिस्तान से दोस्ती की सजा। मोदी सरकार ने रद्द किया तुर्की का दौरा। मलेशिया के बाद अब तुर्की को मिलेगी सजा। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने सितंबर में हुई संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में कश्मीर मुद्दे पर भारत का विरोध किया था। यही नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेरिस में हुई बैठक के दौरान भी उसने पाकिस्तान का ही समर्थन किया था। तुर्की के कश्मीर पर इसी रवैये के चलते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत में ये पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के लिए पहली तुर्की यात्रा होगी, लेकिन 27-28 अक्टूबर को सऊदी अरब में मेगा इन्वेस्टमेंट समिट के बाद उनका तुर्की जाने का कार्यक्रम था। अंकारा के दौरे को रद्द करने से साफ है कि भारत और तुर्की के बीच संबंध निचले स्तर पर है। दोनों देशों के बीच कभी भी बहुत मधुर संबंध नहीं रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस पर चर्चा होने का प्रस्ताव था। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस दौरे के रद्द होने की खबरों पर साफ तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, ये दौरा फाइनल ही नहीं हुआ था, ऐसे में रद्द होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में G20 समिट के लिए तुर्की का दौरा किया था। इसके अलावा ओसाका में इस साल G20 से तर पीएम मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से मुलाकात की थी। इससे पहले जुलाई 2018 में एर्दोगन ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया था।